हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एमएस मल्टी अड्डा और मैं हूं मीनाक्षी। दोस्तों, पिछले कुकिंग वीडियो में मैंने चॉकलेट केक बनाना दिखाया था और उसमें मैंने चॉकलेट सॉस यूज़ किया था उसको फ्रॉस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, उस चीज़ का रेसिपी भी बहुत जन ने पूछा था मुझे, तो इसलिए आज चॉकलेट सॉस या फिर आप कह सकते हैं हॉट फज चॉकलेट सॉस बनाने जा रही हूँ। तो ये बहुत ही यमी बनने वाला है, बहुत ही डिलीशियस रहेगा। आप इसको स्वीट वगैरह में हर किसी में यूज़ कर सकते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन ले रही हूँ मैं, जो कि हल्का सा मैं गर्म कर दे रही हूँ। और उसके बाद एक कप चीनी यहाँ पर मैं लूँगी और पैन में डाल दूँगी। अब उसमें से मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मेल्ट करने में मुझे इजी रहे और उसको उबाल के हल्का सा मेल्ट कर ले। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा डाली हूँ और उसको अच्छे से लम्प फ्री कर दे रही हूँ। लम्प्स ना रखें उसमें, अच्छे से मिला लें पूरा। अब मिलाने के बाद मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप, और उसको अच्छे से मिला लें हल्का सा पानी डाल के ताकि लम्प्स ना रहें उसमें। अब यहाँ पर मैं दूध डाल दे रही हूँ 1 कप, आप चाहें तो 1.5 कप डाल सकते हैं। यहाँ मैं बाद में फिर से और दूध ऐड कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैं वैनिला एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और फिर इसमें मैं कोकोआ पाउडर मिला दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर पहले 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर मिलाया है, उसके बाद इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं टोटल जो कोकोआ पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो है 80 to 100 ग्राम्स। आप यूज़ कर सकते हैं, आप अगर कम बनाना चाहते हैं क्वांटिटी में तो 50 ग्राम्स यूज़ करें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बटर भी ऐड कर दिया है, आप चाहें तो 25 to 30 ग्राम्स बटर उसमें ऐड करें। बटर ऐड करने से उसमें जो उसका जो शाइनीनेस आता है वो बहुत ही प्यारा रहता है और बहुत ही इसका अच्छा क्रीमी लुक आता है। मैं यहाँ पर और थोड़ा सा कोकोआ पाउडर ऐड कर दूँगी हल्का सा उबाल आने के बाद, और फिर से घोल दूँगी। तो दोस्तों, कोकोआ पाउडर अगर आप अपने मर्ज़ी से यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसा कुछ ही नहीं। अगर आपको थोड़ा सा बीटर टेस्ट चाहिए तो आप ज़्यादा यूज़ करें और शुगर कम डालें। अगर आप चाहते हैं कि शुगर फ्री वाला भी रेसिपी आपको चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए शेयर करके दिखा दूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कंसिस्टेंसी थोड़ा हल्का सा गाढ़ा हो गया है और इसको चलाते रहना है हमें पूरा डार्क ब्राउन होने तक। दोस्तों, इसको मीडियम फ्लेम में ही आप चलाते रहें, ज़्यादा हाई फ्लेम में ना रखिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह इसका कंसिस्टेंसी आ जाएगा, हल्का सा थिकनेस आ गया इसमें। अब इसको हल्का सा चला के आप देख लें इसका कंसिस्टेंसी, आप जितना पतला या फिर जितना मोटा रखना चाहें आप रख सकते हैं अपने मर्जी से। और अब ये दोस्तों बनके तैयार हैं। मैं फ्लेम को थोड़ा सा हल्का सा चला के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब फ्लेम ऑफ कर दी, अब इसको ठंडा होने के लिए हल्का सा चला के ठंडा होने के लिए रख दें। ध्यान रखें दोस्तों, आप इसको ठंडा करने के बाद ही कोई भी कंटेनर में रखें तो ही अच्छा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ग्लास जार ले रही हूँ, मतलब टोटली फिटेड जार है, एयर फिटिंग जार। तो यहाँ पर मैं सब जो चॉकलेट सॉस है ये डाल दे रही हूँ। दोस्तों, ये मेरा चॉकलेट सॉस बनके तैयार है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ करना चाहें, डायरेक्ट इसको खाना चाहें तो भी खा सकते हैं, कोई भी केक में ड्रिजल करके इसको
और डेजर्ट को भी सजा सकते हैं, आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये वाला। अगर आप चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करें और बना के आप अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह मैं बहुत ही प्यारा प्यारा रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी आगे भी, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।